कटरा रियासी के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार हमारा कसूर क्या है, क्यों हमें 135 रुपया टोल पे करना है सिर्फ 35 किलोमीटर, 35 से भी कम, लगभग 28 से 30 किलोमीटर का रास्ता है बन टोल प्लाजा क्रॉस करना है और उसके बाद यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ जिसे सुकेतर गांव है, सुकेतर यहाँ से ये रास्ता मुड़ता है और रास्ता यहाँ से चला जाता है कटरा रियासी की तरफ। आप देख सकते हैं कि इस रास्ते की हालत क्या है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये कटरा रियासी का रास्ता है। कटरा रियासी के लोगों की लंबे समय से मांग है, लंबे समय से वो लोग ये कहते आए हैं कि हमें, चूँकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो बिल्कुल मेरे पीछे है, आप देख सकते हैं ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, वो सवाल ये करते हैं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का सिर्फ 35 किलोमीटर रास्ता है जिस रास्ते पर हम लोग ट्रैवल करते हैं या उससे भी कम, उसके लिए हमें टोल, हर टोल पे करना पड़ता है 135 रुपये। जब से फास्टैग की व्यवस्था हुई है, इस व्यवस्था के चलते अब कटरा रियासी जाने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें लगभग 135 रुपया पे करना पड़ता है। अगर फास्टैग लगा हुआ है तो ही जाके, अगर आप डबल साइड जाएंगे यानी आप कटरा जा रहे हैं और कटरा से वापस एक ही दिन में आएंगे तो जाके आपको 50% कंसेशन मिलेगा, वरना आपको वो कंसेशन नहीं मिलेगा। सवाल ये कटरा रियासी के लोगों का कि हमें 35 किलोमीटर या उससे कम का रास्ता जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करते हैं और बाकी रास्ता आपके सामने है तो हम क्यों पे करें 135 रुपया। कटरा रियासी के लोगों ने, यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स ने, यहाँ इस तरफ चलने वाले लगभग हर आम नागरिक ने प्रदर्शन भी किए, मेमोरेंडम्स भी दिए गए, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने और अन्य कई पार्टियों ने ये मुद्दा जोर शोर के साथ उठाया, बार बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये गुजारिश की, ये रिक्वेस्ट की कि आप इस पर पुनर्विचार करें। आप देखें कि एक डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है लेकिन ना कोई सुनने वाला है ना ही इनकी कोई बात मानने वाला है। ऐसा लगता है कि चुनावों से पहले 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होने वाले होंगे, अगर तब तक बन टोल प्लाजा रहता है तो उम्मीद और तवक्का यहाँ के लोगों की ये है कि ठीक चुनावों से एक महीना पहले या डेढ़ महीना पहले ये अनाउंसमेंट करी जाएगी कि बन टोल प्लाजा क्रॉस करने वाले जो यहाँ के लोकल निवासी लोग हैं जो कटरा और रियासी में रहते हैं उन्हें टोल पे करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर तमाम चीज़ें राजनीति के लिए होती हैं, जब लोगों से वोट मांगे जाते हैं, जब लोगों के पास नतमस्तक होकर उनसे ये कहा जाता है कि कृपा करके हमें वोट दीजिए, उस समय नेता लोग, इस समय जो मंत्री हैं वो ये याद क्यों नहीं रखते कि लोगों को उनकी ज़रूरत पड़ सकती है जिस समय वो सरकार बनाएंगे। लोग उनसे रिलीफ की तवक्का रखते हैं, लोग उनसे तवक्का रखते हैं कि उन्हें उनके जो मसले हैं, उनकी जो परेशानियां हैं उन्हें हल करने का काम नेता लोग करेंगे, लेकिन अभी तक कटरा और रियासी के लोगों को देखने में ये मिला है कि उनके लगातार गुहार लगाने के बावजूद, उनके लगातार प्रदर्शन करने के बावजूद सरकार के सामने बार बार अपनी फरियाद रखने के बावजूद उनकी सुनी नहीं जा रही। कब सुनेगी सरकार कटरा रियासी के लोगों की, सवाल ये है।